और आगे बढ़ते हुए खबर चंडीगढ़ से है, जहां आपको लगा एक और बड़ा झटका। दरअसल आप उपाध्यक्ष रंजीत उप्पल जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो रंजीत उप्पल ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। सीएम सैनी ने पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। चुनाव से पहले बीजेपी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कुनबे का विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े लोग इस वक्त पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आपको एक और बड़ा झटका लगा है और आप पंचकुला अध्यक्ष रंजीत उप्पल जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम सैनी ने पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की भी मौजूदगी रही और तस्वीरों में आपको साफ तौर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा इस दौरान नजर आ रही हैं। प्रवीण अत्रे भी मौजूद रहे। तो एक एक कर तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो इस वक्त बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी का कुनबा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुनबा का जो विस्तार हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। तो आम आदमी पार्टी के पंचकुला अध्यक्ष रंजीत उप्पल जो है वो इस वक्त बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, ये बड़ी जानकारी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। आप पंचकुला अध्यक्ष रंजीत उप्पल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रतिया पहुंचेंगे, जहां सुनी